हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल दैट इज़ याचना साइंस क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू फील सॉरी दैट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द वीडियो वॉज पोस्ट यस्टरडे। एंड हाउ आर द टॉपिक वॉज कम्प्लीटेड, बस्ट वन थिंग वॉज लेफ्ट दैट वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड वॉट आर दोज द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दैट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन क्रॉस पॉलिनेशन एंड स्पेशल एजेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके लिए कोई एक स्पेशल एजेंसी चाहिए है, इसीलिए भी क्रॉस पॉलिनेशन को हम अच्छा नहीं मानते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक विच वॉज वी डिस्कस्ड यस्टरडे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जनरली क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड वॉट इज आर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। Outbreeding devices and pollen pistil interactions. As we know that majority of plants have bisexual flower. I am using one term that bisexual. Bi means two, sexual means sex. The flower which has both sex means stamen as well as pistil, जिसके अंदर दोनों ही चीजें हों, उसको bisexual flower बोला जाता है और its another name is monoecious. Another name is मोनोशियस। मोनो मीन्स सिंगल, कि सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेक्स, सिंगल फ्लावर हैव सिंगल इधर स्टेमन और पिस्टिल, और इट इज ऑल्सो नोन एज हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट इज ऑल्सो दैट ऑर्गेनिज्म, दैट फ्लावर विच हैव बोथ सेक्स स्टेमन एज वेल एज पिस्टिल। सो वॉट हैपन, मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है, उनके पास स्टिग्मा भी है, यू कैन से पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है, तो उसी का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे आकर पोलिनेट कर देता है, दूसरे फ्लावर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो इससे क्या होता है कि हमारी प्रोजेनी वीकर होते चले जाते हैं, मीन सेल्फ पोलिनेशन होता चला जाता है, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच यू हैव टू रिमेंबर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इट मीन्स फ्लावर डिप्रेशन में चला गया, प्लांट डिप्रेशन में चला गया। किस तरह का डिप्रेशन? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स कि सेम स्पीशी, सेम फ्लावर के अंदर बार बार पोलिनेशन हुआ जा रहा है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इससे प्रोजेनी वीक होती चली जाती है। एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो कि इट इज डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच सेम पोलन फ्रॉम द एंथर लैंड ऑन द सेम स्टिग्मा, ड्यू टू विच इन ब्रीडिंग डिप्रेशन टेक्स प्लेस। फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, फॉर सोल्यूशन ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, प्लांट हैज सम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, सम प्लांट हैव डेवलप सम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, ड्यू टू विच दे विल एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन एंड डिसकरेज सेल्फ पोलिनेशन। रिमेंबर द लाइन दैट दे विल एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन एंड डिसकरेज सेल्फ पोलिनेशन। सो वॉट आर दीज आउट ब्रीडिंग डिवाइस? टोटल सिक्स आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड आई डू दिस थिंग दैट आई फर्स्टली आई राइट द थिंग एंड देन आई एक्सप्लेन वाई आई डू दिस, टू कंजर्व द टाइम, टू सेव द टाइम, कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। सो दैट्स वाई आई डू दिस। सो सिक्स टोटल डिवाइसेज आर देयर विच आई हैव रिटन। फर्स्ट वन इज डाइक्लेनी, सेकेंड वन इज डाइकोगैमी, थर्ड सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी, फोर्थ हेटरोस्टाइली, फिफ्थ हर्कोगैमी एंड सिक्स्थ इज प्रीपोटेंसी। सो वन बाय वन आई विल डिस्कस देम दैट व्हाट आर दिस। फर्स्ट वन इज डाइक्लिनी। डाइक्लिनी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। व्हाट हैपन्स, सम प्लांट्स व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स सिंगल सेक्स, मीन्स ईदर द फ्लावर विल बी स्टेमिनेट, मीन्स ओनली स्टेमन विल बी देयर, or the flower will be pistillate, means pistil will be there. So I have drawn the diagram that this flower is known as which flower? Pistillate flower, means it has only pistil or carpel, only female part is there. It is unisexual flower, जिसके पास only female part है या फिर male part है. Second flower I have drawn, this is staminate flower, जिसके पास सिर्फ stamen है, only male part है. So some plants do this thing कि वो unisexual flower ही produce करते हैं, या तो pistillate या फिर staminate. इससे क्या होगा, इससे सेल्फ पोलिनेशन को वो प्रिवेंट करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देंगे। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज द केस ऑफ पपाया। ऐसा किसके अंदर होता है? पपाया के अंदर होता है।
मेज के अंदर भी होता है, कैस्टर के अंदर भी होता है, जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इन केस ऑफ मेज एंड कैस्टर बोथ फ्लावर्स मेल एज वेल एज फीमेल बोथ फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे होते हैं। सो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी तो होगी नहीं, सेम फ्लावर का पोलन सेम स्टिग्मा पे जा नहीं सकता, बट जिटोनोगैमी तो होगी वहाँ पे। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी। व्हाट हैपन इन जिटनोगैमी, एक फ्लावर के पोलन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, बट दोनों ही क्या होते हैं, सेम प्लांट के होते हैं। ठीक है, ये होता है जिटनोगैमी। तो ऐसा कैस्टर और मेज के केस में होता है। किसके केस में? मेज और कैस्टर। जिसके केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पे होते हैं, तो एक मेल से फीमेल तक पहुंच जाता है। बट इन केस ऑफ पपाया व्हाट हैपन्स, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज जिटनोगैमी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इन केस ऑफ पपाया फ्लावर्स प्रिवेंट और फ्लावर हैज एडेप्टेशन टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज जिटनोगैमी। सो यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, आई टोल्ड यू। सो डाइक्लिनी इज फर्स्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइस, सेकेंड वन इज डाइकोगैमी। वट हैपन्स इन डाइकोगैमी, क्या होता है कि प्लांट के अंदर मेल जो पार्ट होता है या तो वो पहले मैच्योर हो जाता है या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है। मीन्स इधर पोलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिव, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही पोलन रिलीज हो जाता है, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है, पोलन बाद में रिलीज होता है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी। एंड्री वर्ड एंड्रोशियम के लिए यूज हो रहा है मेल पार्ट के लिए, गाइनी वर्ड गाइनोशियम के लिए यूज हो रहा है फीमेल पार्ट के लिए। ओके, प्रोटो मीन्स पहले। What happens in protoendry condition? Male part or stamen mature earlier than pistil or carpel. It means pollen release earlier. Pollen पहले release हो जाते हैं, किससे? Stigma receptive होने से पहले। Pollen release हो गए, stigma receptive नहीं हुई है, तो फिर वो pollen वहाँ पे land नहीं कर पाएंगे, उसको pollinate नहीं कर पाएंगे। किस केस में? प्रोटेंड्री केस में। इससे हमने क्या किया, डिस्करेज कर दिया ना सेल्फ पोलिनेशन को। सो इट हैपन्स इन केस ऑफ रोज एंड साल्विया, ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये होता है। सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनी, व्हाट हैपन्स इन प्रोटोगाइनी, पिस्टिल अर्लियर मैच्योर, पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाती है देन स्टेमन, और यू कैन से स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गए, वो रेडी हो गए कि पोलन आएगा, बट पोलन रिलीज नहीं होता है, वो लेट रिलीज होता है, तो पोलन नहीं पहुंच पाता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल इज मिराबिलिस, मिराबिलिस ज़ेलेपा इसका पूरा नाम है, तो मिराबिलिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगाइनी कंडीशन। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस इज सेल्फ स्टरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वन मार्क्स ऑल्सो, इसको वन मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इससे अलग से अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो। तो सेल्फ स्टरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग है कि उसी प्लांट का पोलन, उसी फ्लावर का पोलन, उसी को पोलिनेट करने में अनसक्सेसफुल होता है, वो उसको कर नहीं पाता है, एबल नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है। सो व्हाट हैपन, प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल, अपने ही पोलन को ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं करने देता है, ओव्यूल पोलिनेट नहीं करने देता है। तो ये कंडीशन होती है सेल्फ स्टरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। तो इस केस में क्या होगा, वो किसी और को जाके करेगा, तो हो गया ना क्रॉस पोलिनेशन। वही तो चीज़ हम पढ़ रहे हैं जिसमें इट एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन बट डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। फोर्थ टाइप इज हिट्रोस्टाइली, नेम इज टेलिंग दैट हिट्रो मीन्स डिफरेंट, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली मीन्स पोजिशन। तो हिट्रो का मीनिंग है डिफरेंट, स्टाइली का मीनिंग है पोजिशन, कि जो स्टेमन और पिस्टिल की पोजिशन होगी ना, इट विल बी वेरी डिफरेंट। मीन्स या तो स्टेमन बहुत बड़ा होगा, मीन्स स्टेमन लंबा होगा, जैसे मैं अगर इसी को एग्जाम्पल लेके चलूँ, मुझे दूसरा डायग्राम नहीं बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, इस स्टेमन को मैं बहुत लंबा बना दूंगी और पिस्टिल को बना दूंगी छोटा। या फिर क्या होगा, स्टेमन तो बहुत छोटे होंगे और पिस्टिल यानी स्टिग्मा बहुत बड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, पोजिशन इज डिफरेंट, तो पोलन प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। दिस हैपन्स इन केस ऑफ हिट्रोस्टाइली। नेक्स्ट वन इज हर्कोगैमी, व्हाट हैपन्स इन हर्कोगैमी, कि सम बैरियर्स आर देयर नेचुरल और मे बी सम फिजिकल बैरियर्स आर देयर ड्यू टू विच पोलन डज नॉट
पोलिनेट इट्स ओन स्टिग्मा, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाता है, सेल्फ पोलन को प्रिवेंट कर दिया जाता है। इट हैपन्स इन केस ऑफ हर्कोगैमी, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, इट्स एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि पता नहीं कौन सा प्लांट है, बट इसका अगर कॉमन नेम तुम्हें मैं बताऊँ तो यू विल लर्न दैट कि तो तुमने सबने देखा है आक, इसकी हिंदी होती है आक, ए ए के, आक का प्लांट सबने देखा है। वो होता है ना कि लीव्स को हम ऐसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से मिल्क जैसा फ्लूड निकलने लग जाता है, एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस प्लांट, बट इट्स फ्लावर्स आर वेरी नाइस, अच्छे सुंदर से फ्लावर्स होते हैं, वाइट पर्पल कलर के, ओके, दैट इज कैलोट्रोपिस। इसके अंदर हर्कोगैमी होती है। लास्ट वन इज प्रीपोटेंसी। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ प्रीपोटेंसी, कि जो पोलन ग्रेन है ना उस फ्लावर का, वो अपने ही स्टिग्मा पर तो पोलिनेट हो नहीं पाता है, बट इट कैन पोलिनेट अनदर स्टिग्मा, तो सेल्फ पोलन नॉट एबल टू जर्मिनेट, वो उसमें जर्मिनेट नहीं हो पाता है, बट किसी और स्टिग्मा पे जाएगा ना इट विल जर्मिनेट ईजिली, गॉट इट। सो दिस इज प्रीपोटेंसी एंड इट्स एग्जाम्पल इज, इसका एग्जाम्पल कौन है, एप्पल। इट हैपन्स इन केस ऑफ एप्पल, कि एप्पल का सेल्फ पोलन उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाता, बट इट कैन डू ऑन अनदर एप्पल प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, क्लियर। सो दीज आर सिक्स आउटब्रीडिंग डिवाइसिस विच आर डेवलप्ड और विच आर यू कैन से दैट एडेप्टेड बाय द प्लांट, टेकन बाय द प्लांट टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पज, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वट वी विल डू टूडे इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो नाउ वील डू द टॉपिक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। So firstly I'll draw the diagram, then I'll tell you properly what are these things. These are pollen grains. ये कौन है, pollen grains, और इनकी wall मैं कैसी बना रही हूँ, रफ वॉल आई एम ड्रॉइंग बिकॉज आउटर वॉल इज एक्साइन, जो कैसी होती है रफली इन सरफेस। सो सबसे पहले ये ओवरी है, ओवरी के अंदर आई एम ड्रॉइंग दिस एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक, इट्स अनदर नेम इज, वॉट इज इट्स अनदर नेम, इट्स अनदर नेम इज फीमेल गेमेटोफाइट, अनदर नेम इज फीमेल गेमेटोफाइट। सो दिस पोलन ग्रेन इज trying to make pollen tube, next pollen grain is successful in making the pollen tube, okay. So what are these structure, इसके चारों तरफ क्या present होता है, ये embryo sac के चारों तरफ, this is nucellus, it is nucellus, okay. ये इस तरह से इसमें इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी, ओके ओवरी, एंड दिस पार्ट इज पोलन विच इज जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा, दिस इज पोलन ट्यूब, दिस इज एम्ब्रियो सैक, एंड इनसाइड एम्ब्रियो सैक ये कौन सी सेल्स हैं, तीनों ऊपर वाली एंटीपोडल सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, एंड दिस वन इज सेंट्रल सेल, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक, एंड दीज आर सिनर्जिड्स, ये कौन है, दीज आर सिनर्जिड्स, एंड अपर वन इज आर एग, ये कौन है, एग, ओके। So this is the structure of pollen germination on stigma. Stigma पर pollen कैसे germinate कर रहा है. So what happens when pollen land on stigma? जब pollen stigma के ऊपर land होता है, it try to make
पोलन ट्यूब. अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर किया था, दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. इस तरह से स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का, लाइक दिस. एंड आई टोल्ड यू दैट एट सम प्लेसेस एक्साइन इज एब्सेंट एंड दीज प्लेसेस आर नोन एज जम्पोर. ये हमने बात की थी, ऐसी प्लेसेस का क्या नाम होता है? जम्पोर नाम होता है. एंड इसके अंदर कितनी सेल होती हैं? दो सेल थी, एक का नाम क्या था? जनरेटिव सेल एंड अनदर नेम वॉज वेजिटेटिव सेल. दूसरी कौन सी थी? वेजिटेटिव सेल थी. वेजिटेटिव सेल वॉज बिगर एंड जेनेटिव सेल वॉज स्मॉलर. सो वॉट हैपन्स, ये पोलन ट्यूब बनती कैसे है? जो ये जहाँ पर जर्म पोर है, जहाँ पर जर्म पोर है वहाँ से ये पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है, वहाँ से पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है. एंड दिस वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दिस वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म मूव इनसाइड दिस पोलन ट्यूब. इसके अंदर फ्लोट करने लग जाता है, बहने लग जाता है. और जो ये जनरेटिव सेल थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर की जो जनरेटिव सेल है इट फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल. ये बहुत छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रही होती है. तो ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस भी और या पूरी जनरेटिव सेल भी किसके अंदर फ्लोट करने से बहने लग जाती है? किसके अंदर? पोलन ट्यूब के अंदर. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि सम पोलन शेड एट टू सेल्ड स्टेज एंड ओनली 40% पोलन ग्रेन्स आर देयर विच शेड एट थ्री सेल्ड स्टेज. ठीक है, अब यहाँ तो दो सेल हैं, तीसरी कहाँ से आई थी? व्हेन जनरेटिव सेल न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली. जब वो माइटोटिकली डिवाइड करता है तो वॉट हैपन्स? टू मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. क्या होते हैं? दो मेल गैमेट बन जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें सिर्फ दो सेल हैं वो विच शेड एट टू सेल स्टेज, तो उनमें जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है ना, वहीं पे जेनेटिव सेल डिवाइड होकर टू मेल गैमेट्स बना देती है. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ थ्री सेल? ऑलरेडी थ्री सेल है तो उसको माइटोटिक करने की जरूरत क्या है? माइटोसिस करने की जरूरत क्या है? तो ऑलरेडी उसके अंदर टू मेल गैमेट बने हुए हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब, दिस पोलन ग्रेन. नाउ पोलन ग्रेन अब इस पर लैंड हो जाता है और इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? दो तो आ रहे हैं मेल गैमेट और एक आ रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस. द वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये सारा भी तो इसके अंदर फ्लो कर रहा है और दो आ रहे हैं मेल गैमेट. तो ये कहाँ से एंट्री करती है पोलन ट्यूब? कहाँ से एंट्री करती है? माइक्रोपाइलर एंड से. कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइलर एंड से. अच्छा, अब हो क्या रहा है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है, अब जरूरी तो नहीं है कि वो राइट पोलन हो. जैसे जब भी पोलन ट्यूब आता है पोलन इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आता है तो पोलन ग्रेन कैन बी ऑफ टू टाइप. एक तो होता है राइट टाइप पोलन ग्रेन और एक होता है रोंग टाइप पोलन ग्रेन. रोंग टाइप को हम बोल देते हैं इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन. क्या बोल देते हैं? इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन. और राइट पोलन ग्रेन को बोल देते हैं कंपैटिबल पोलन ग्रेन. गॉट इट? तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन जो राइट पोलन है जिसको आना चाहिए था, इनकम्पैटिबल जिसको नहीं आना चाहिए था पोलन जिसको रिजेक्ट करेगी. तो व्हाट हैपन्स व्हेन राइट पोलन ग्रेन कम ऑन स्टिग्मा? स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाते हैं पोलन ग्रेन. जब स्टिग्मा पर लैंड होते हैं तो टू टाइप के होते हैं. कंपैटिबल होगा तो स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट. स्टिग्मा एक्सेप्ट इट. बट इफ इट इज इनकम्पैटिबल टाइप देन स्टिग्मा रिजेक्ट इट. स्टिग्मा इसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी. तो अब वो कैसे पता चलता है कि किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है? तो देर इज अ डायलॉग, देर इज अ कम्युनिकेशन. किसके बीच में? बिटवीन पोलन ग्रेन एंड दिस ओवरी और स्टिग्मा. स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के अंदर एक डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होती है, बातें चलती रहती है. किसके फॉर्म में? केमिकल की फॉर्म में. पोलन करेगा मैं आऊं, बट स्टिग्मा कहेगी नो, अगर ये इनकम्पैटिबल है राइट टाइप का पोलन नहीं है. फिर पोलन बोलेगा मैं आऊं, तो स्टिग्मा को लगेगा या इट इज ऑफ सेम स्पीशीज, इट इज ऑफ राइट टाइप, इट इज ऑफ कंपैटिबल टाइप. तो स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट. जैसे ही स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी तो पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी. एंड इन पोलन ट्यूब वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल बी देयर, टू मेल गैमेट विल बी देयर, और वो इस तरह से पोलन ट्यूब बनाएंगे. Now I will make the structure of this lower part or ovary part in zoom way में मैं इसको draw करके तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे सब कुछ हो रहा है यहाँ पे. So I can rough this part also. Pollen grain का structure तुम्हें सबको आता है. I told you
earlier and today also. So I'll draw this part structure. Now see, this is the structure of lower part, or you can say this is the structure of this embryo sac. ये किसका structure बनाया मैंने? Embryo sac का structure बनाया है. Okay? And this is our central cell. These are synergids. Okay? Now see, this is central cell. Okay? This is the structure of what? Embryo sac. ये किसका structure है? Embryo sac का structure है. Now our egg cell come here. हमारी एग सेल जो है, एग जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ आ गया है. एंड दिस इज व्हाट? पोलन ट्यूब. ये क्या है? पोलन ट्यूब. ये दोनों ही क्या है? मेल गैमेट. ओके. एंड ये वाला क्या है? वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. ये पोलन ट्यूब है. अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस. ओके. एंड दीज आर वॉट? सिनर्जिड्स. ये कौन है? सिनर्जिड्स है. ओके. वॉट हैपन्स नाउ? अब पोलन ट्यूब यहाँ तक, ओवरी तक तो आ गई है. ठीक है, ओवरी तक तो आ गई है पोलन ट्यूब. अब एम्ब्रियो सैक में इसको कैसे एंटर करना है? हाउ इट विल एंटर इन एम्ब्रियो सैक? पोलन ट्यूब इज कैरिंग टू मेल गैमेट एंड वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस. Filiform apparatus, cellular thickenings are there, as I told you earlier in previous class, कि what filiform apparatus do? It is present in synergid. It guide the pollen tube. ये pollen tube को guide करती है कि उसको कहाँ और कैसे entry करनी है. तो when this will guide the pollen tube will enter in the synergid, one of the two synergid. दोनों में से किसी एक synergid में enter करती है, जो मेल गैमेट कैरी कर रही है और वेजिटेटिव सेल कैरी कर रही है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कैरी कर रही है. ओके, यहां तक आ गई है पोलन ट्यूब. नाउ व्हाट विल हैपन? लेट मी ड्रॉ नेक्स्ट स्ट्रक्चर. दिस इज द अगेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड देन सिनर्जिड्स आर देयर. ओके. एंड दीज आर हियर वन सिनर्जिड. एंड अब ये सेकेंड वाली सिनर्जिड में क्या आ चुकी है? ये पोलन ट्यूब आ चुकी है. क्या आ चुकी है? पोलन ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है जिन्होंने इसको गाइड किया है. सो दिस वॉज आर सेंट्रल सेल एंड इसमें ये वन मेल गैमेट था जो यहाँ था मेल गैमेट, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया है. ठीक है, एक मेल गैमेट हम बना देंगे यहाँ पे. Now what happens? See, this is the pollen tube. ये कौन है? Pollen tube. It come towards synergid with the help of filiform apparatus. Filiform apparatus इसको guide करती है. And it discharge its contents. Discharge its contents means दो male gamete हैं. One male gamete in the synergid near the egg. One male gamete in synergid near the egg. सेकेंड मेल गैमेट इज हेयर विच विल गो टू द सेंट्रल सेल एंड इट विल फ्यूज विद सेंट्रल सेल एंड मेक पोलर न्यूक्लियाई. ओके, वॉट हैपन्स सी अगेन? पोलन ट्यूब इज एंट्री इज देयर इन फिलीफॉर्म अपैरेटस इन सिनर्जिड. इट विल डिस्चार्ज इज कंटेंट्स हेयर इन द सिनर्जिड. वन मेल गैमेट गो टूवर्ड्स द एग फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर सिनगैमी. अनदर मेल गैमेट विल गो टूवर्ड्स द central cell for again fusion and this central cell have two nuclei and one male gamete nuclei. Three nuclei will be there and there will be triple fusion. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Triple fusion. और यहाँ पे हो रहा है simple fusion, simple syngamy. Okay, so this was all about the discharge of pollen tube. यहाँ पे क्या हो रहा है? Discharge by pollen tube. पोलन ट्यूब डिस्चार्ज कर रही है अपने कंटेंट्स को किसके अंदर? सिनर्जिड्स के अंदर वो
अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर रही है. सो दिस इज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. अब फाइनली व्हाट यू विल राइट इट्स डेफिनेशन. अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो बताओगे ना कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है, ये है क्या चीज. सो व्हाट यू विल राइट दैट होल इवेंट्स, ऑल इवेंट्स, सभी इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, जैसे ही पोलन स्टिग्मा पर डिपोजिट होते हैं वहां से लेके एंड सेंडिंग मेल गैमेट्स टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल तक जाने तक के सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं, ऑल दीज इवेंट्स आर नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. की पोलन और पिस्टिल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही हैं, डायलॉग हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सो आई टोल्ड यू दैट जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी वो किधर से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से. बट इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है. जब वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम पोरोगैमिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोरोगैमी. बट इफ इट एंटर टुवर्ड्स कैलेजल एंड और चेलाजल एंड तो उसको बोलते हैं चेलाजोगैमी. क्या बोलते हैं? चेलाजोगैमी. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम इन 3 marks. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज आई से यू दैट दिस टाइम इज योर रिविजन टाइम, इट इज नॉट योर सिलेबस कंप्लीशन टाइम. सो आई कवर ओनली दोज टॉपिक्स विच आर एग्जाम ओरिएंटेड, विच ऑलवेज कम्स इन योर एग्जाम्स प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं. I discuss only those topics which comes in exams. Very important these topics are. So you have to prepare them properly. So tomorrow what we will discuss? We will discuss the double fertilization. हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं. कल हम इसकी fertilization करवाएंगे और seed बनाएंगे. Is it clear to everybody? So I think today's lecture was very impressive and you are able to understand the things clearly. So if you have any doubt, you can ask me, you can comment me to ask your doubt. I will clear them as soon as possible. So thank you everybody.